Your name, sir? Aaron. Thoda thoda. Thoda thoda. कोई बात नहीं सर. DP Campbell's looks. हाँ. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग. तो सुबह की शुरुआत हो रही है आज नामिक गांव से. अभी नामिक गांव में हम रात भर हमारी कैंपिंग हुई थी. उसके बाद मोबाइल में बैटरी ख़त्म हो गई थी जिससे मैं सुबह सुबह का मॉर्निंग वाला जो सीन था वो नहीं कर पाया. उसके बाद थोड़ा सा चार्ज करा मैंने अपने मोबाइल को. उसके बाद अब फिर से लाइट चली गई है. 12% बैटरी है और आ गए नीचे. टेंट भी पूरा उतार लिया. देखो गाइस सब सामान वामान लेके आ गए हैं और भाई लोग सब नहा धो के तैयार होने गए हैं. बस हमारी भी तैयारी चल रही है गाइस. अब निकलने की यहाँ से और यहाँ से गोगिना को, उसके बाद वहाँ से बागेश्वर को, फिर अल्मोड़ा को शायद. तो गाइस चलते हैं, दिखाते हैं आपको आज के दिन में हमारे साथ क्या क्या स्पेशल होता है. और पर राहुल भैया का टेंट भी हमने दे दिया राहुल भैया को. राहुल भैया तो सोए थे, उनकी माता जी उठी थी तो माता जी ने माता जी को दिया हमने. चलते हैं गाइस. यह है नामिक गांव का खूबसूरत नज़ारा. वो देखो ये दो इसके बीच में, यहाँ पे है हीरामणि ग्लेशियर जिसे नामिक ग्लेशियर भी कहा जाता है. पूरा धुंध की वजह से जंगल में काफ़ी आग है, इस वजह से पूरा धुंध उठ के पूरा कोहरे से ढक जा रहा है वो. तभी कहते हैं जंगल में आग मत लगाओ कहते हैं. ग्लेशियर धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं. देखो सूरज निकल चुका है और क्या प्रार्थना है. पहनो मत, ऐसे साफ कर लूंगा को करूंगा. तो गाइस अब चल रहे हैं. गाइस दी भैंस गाइस. हाँ हाँ गाइस आओ सर, स्वागत है आपका. हाय न्यू ब्लॉग में हैं. आओ सर कम ऑन. अम्मा जी क्या हाल है. हम कल गए थे ये ऊपर जो फील्ड है. अच्छा और सब बढ़िया हो रहे हैं. जा रहे हो. हाँ जा रहे हैं अम्मा जी. ऊपर घर जा रहे हो आज. घर हाँ, अभी पहले हम कल ऊपर फील्ड में थे. कल वहीं रुके थे रात को. टेंट हैंडल लाया था. टेंट ये भैया से लिया था. जाना है याद आएगी नहीं आएगी हमारी. आएगी क्यों नहीं आएगी. उसमें क्या है यार, प्यारा बच्चा है आप यहाँ क्यों नहीं आए. अम्मा जी अच्छा मान रही है. अम्मा जी के साथ ये फोटो भी लेना. हाँ ओए कहाँ पे जा रहे हैं. यहाँ पे रास्ता भानु अम्मा से मिलना आना है तेरे को. पक्का आना है. जरूर जरूर आना है अम्मा से मिलने के लिए. और अम्मा तुम्हारे गाना भी बहुत सुनती है वाला. मैं पहाड़न वाला गाना लगातार सुनती है. इमली वाला भाई चल रहे गाइस. अब हाय हाय अम्मा जी. ओके टाटा.
आ यहाँ से उतर। तो गाइस आप गांव से निकल रहे हैं, नाम एक गांव से देखो वो सामने आए, देखो नाम एक तो गाइस मोबाइल में बैटरी खत्म होने वाली है और अभी हम हैं नामिक में ही। अभी हमने यहाँ से गोगिना जाने के बाद ही चार्ज लग पाएगा क्योंकि यहाँ लाइट सुबह 5:30 बजे से 7 बजे जाती है और सब चली जाती है, आज उतनी भी नहीं आई। तो भाई चल रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ होना रहा है, वहीं जाके दिखाते हैं पापा। आई हैव नो बैटरी बैकअप तो बड़ी वहां से। तो गाइस अब हम पहुंचने हैं, पहुंच गए हैं गोगिना और हमारे संग हमारे सर भी हैं। सर आपका नाम? योर नेम सर? आयरन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आई डोंट नो इंग्लिश बट थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तो गाइस चल रहे हैं, दुआ के साथ काफी अच्छा लग रहा है हमें। तो सर कहते हैं आर यू कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? कहते हैं विच प्लेस इंडिया यू आर? उत्तराखंड बागेश्वर। दिस डिस्ट्रिक्ट इज बागेश्वर। एंड जो पिछली लोकेशन थी हमारी जो वहां से आए वो पिथौरागढ़। तो अब भैया ने अपना पावर बैंक दिया मेरे को और मैंने चार्ज लगा रखा है और उसी के साथ साथ वीडियो भी बना रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच फॉर पावर बैंक। क्योंकि मेरे पास वहाँ से चार्ज ही नहीं था और वहाँ से अभी तक यहाँ तक कि मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। यहाँ आने के बाद जब भैया मिले, मैंने भैया से पावर बैंक के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं। और भैया अभी यहाँ से गोगिना से ऊपर का ट्रैक है एक, वो करने वाले हैं भैया। तो बढ़िया है, हम भी भगवान से दुआ करेंगे कि इनका पूरा ट्रैक अच्छे से हो और ये अच्छे से अपने शहर ऑस्ट्रेलिया जाएँ। तो सर डू यू मतलब हमसे मिलके कैसा लगा? मतलब फीलिंग मीट मी फीलिंग ये गुड गुड मैन इट्स गुड मैन। थैंक यू सर, इट्स गुड मैन, लेट्स गो सर। पूरी इंग्लिश नहीं आती यार गाइस ना, आई डोंट नो इंग्लिश बट थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। सर भी थोड़ा हिंदी, सर आपको हिंदी? You speak हिंदी? थोड़ा थोड़ा सर को मैंने सिखाया थोड़ा थोड़ा, ये चलते चलते सर को मैंने सिखाया, मैंने कहा सर थोड़ा थोड़ा, जैसे कोई पूछेगा डू यू नो हिंदी सर कहेंगे थोड़ा थोड़ा, समझ में आता है। तो चल रहे हैं सर के साथ पहाड़ की वादियों के मजे लेते हुए। तो सर के साथ कुछ खुशी के लम्हे बिताते हुए सर के साथ। सर आर यू फीलिंग बेटर? India is beautiful. Yeah, Australia is beautiful. Yeah, very beautiful here. Yeah. Here. Yeah. Very beautiful mountains, beautiful water, waterfalls. Yeah. मजा आ जाता है। India number one. Number one guys. Yeah, India is the best. Awesome man. Thank you. Welcome sir. Thank you. मैं भैया से कह रहा था कि भैया कहते हैं हम मेरे को तो चाहिए कोई ऑस्ट्रेलियन ही। मैंने कहा इंडिया में नहीं हो रहा काम, इंडिया में नहीं है खूबसूरती, अब ऑस्ट्रेलियन ही जानी पड़ेगी। बताओ कोई देख रहा है तो भैया ऑस्ट्रेलियन वाला मेरी वीडियो तो बता देना भैया, कि कोई है तो कॉन्टैक्ट मी, मेरे उसमें मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस गोगिना पहुंचने वाले हैं और बैठे हुए हैं, थोड़ी देर थक गए थे। और हमारे साथ वाले हैं जो वो आ रहे हैं सामने, वो नीचे दिख रहे हैं। थ्री पीपल आर इन माई थ्री फ्रेंड इन कमिंग टू, जिस हम यहाँ पहुँच गए वो वहाँ हैं सर, देखो।
तो गाइस हम गोगिना में हैं और भैया की दुकान पे हम चाय पी रहे हैं। भैया हमारे लिए चाय बना रहे हैं और भैया ने यहाँ पे इतनी अच्छी चीज बनाई है, बांस की रोटी रखने वाली छापरी, हॉटकेस छापरी भी कहते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, छापरी कहते हैं और वैसे हॉटकेस भी कहते हैं। तो बांस का हॉटकेस है गाइस, देखो कितना प्यारा लग रहा है। आपको मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ, प्यारा हॉटकेस। आप भी आ सकते हैं यहाँ, ज़्यादा रेट भी नहीं, सही रेट है, अच्छे खासे रेट है, आप भी आ सकते हो। आप भी लेना है यहाँ से, भैया के वहाँ से गोगिना में आपको मिल जाएंगे इस चाय। आप सर के लिए भी हमारे लिए चाय मिल गया, चाय पीते हैं और सभी लोग तो काफ़ी दूर है। नाम वाम लिखे हैं तो मैं भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, अपना नाम लिख देता हूँ मैं, ठीक है भैया। सर इज ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी वेल मेड, वेरी गुड। And you come to Gogina place and this is you want to contact हमारे भैया जी से टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रहा हूँ। और तो गाइज इसके साथ साथ में हमारी चाय भी आ गई है और चाय के साथ में हमारा ये देखो नाम भी लिख दिया है, DT Kandpal Vlogs। You can like, share and subscribe my channel। और मैं चाय पी रहे हैं, सर के लिए चाय आ गई है और ये मेरी चाय, चाय पीते हैं। मस्त हो रही ना? Yeah. तो भैया कैसा लगा मैं हमसे मिलके? TP Kandpal Vlog Zero Vlogs, हाँ Vlogs, yeah. मस्त TP Kandpal and Kandpal DP Kandpal Vlogs DP Kandpal नहीं आ रहा कहना, कोई बात नहीं सर, DP Kandpal's Vlogs, हाँ कांडपाल कह दो, मेरे को कांडपाल ही समझ में आया। तो सर मस्त नहीं, देखो अपने के लिए कैंडी और टॉफी अनारदाना भी निकाल रखा है। प्राइस, इस प्राइस टोटल, हेलो करो नाम क्या है आपका? जानकी। बढ़िया, चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं भैया की दुकान पे और भैया ने हमारा कैमरा भी पकड़ा है। तो भैया मस्त हो रही है आपकी चाय एकदम। तो आप भी गोगिना आओगे भैया लोग तो आप भी आ सकते हो भैया की दुकान में। आप गोगिना से आगे को आते रहोगे रोड बाय रोड, अगर नामिक को जाओगे तो बीच में भैया की दुकान पड़ती है, आपको सभी आइटम मिलेंगे यहाँ पे। ये बांस की रोटी रखने वाला, इसमें आप सब्जी वब्जी कुछ भी एनी टाइप ऑफ कुछ भी आप रख सकते हो इसमें। तो आप आओ, भैया का भी हौसला बढ़ाओ, भैया को भी ऐसे और काम, अगर आप लोग आओगे तो और काम करने में मजा आएगा, क्यों भैया? ओके, आओ भैया की दुकान में। भैया है, भैया अपना नाम बता दो। पंकज टावली नाम है भैया का, इनकी दुकान में आ सकते हैं आप बढ़िया करके एकदम। सुनील लोग भी पहुंच चुके हैं, वो कहाँ है रेसुदा, कहाँ गए? फोन चार्ज किया है, मैं भैया को ही नहीं लगाया मेरे इसमें चार्ज। वो रेसुदा नहीं आया अभी? हाय वो तो बिठाओ, पैसे हैं ये चाहिए, जो रेस्ट ओके सर, बाय, चलते सर। ओके भैया, बाय। ओके भैया, तो गाइस चल रहे हैं मैं, सुनील और रवि भाई हमारे और रिश्तेदार की। तो गाइस पहुंच चुके हैं अपने जहां रुके हुए थे, देखो भैया लोग भी आए हैं। तो गाइस हमारा चल रही है चाय और रस और इसको भी खिला रहे हैं। हां तो गाइस हमारा यहां का भी हो चुका है पेमेंट अंकल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप भी आना अंकल के होम स्टे पे गोगिना में। तो गाइस अब चल रहे हैं, यहाँ से चलने का टाइम हो चुका है, बस चल रहे हैं निकलते हैं। काफी अच्छा लगा यहाँ आके, नामिक आके, गोगिना आके, नामिक आके, और काफी अच्छा है यहाँ लोगों का व्यवहार। आप लोग भी आइए, हम तो यही कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए। अब तो ऊपर नामिक भी रोड चली गई है, गोगिना के रास्ते भी, कहीं के रास्ते भी आ सकते हो आप। अगर आपको ट्रैक करना है यहीं से पूरे नामिक तक का तो काफी अच्छा है आपके लिए, यहीं से आप आइए, आपको रास्ते में काफी सुंदर सुंदर नजारे, काफी सुंदर सुंदर पशु पक्षियां देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं आगे को, कैसा रहता है आज का टूर और दिखाते हैं आपको, बने रहिए हमारे व्लॉग में। भाई देखो कितना प्यारा झरना है ना, मजा आया नहीं आया? ऐसे झरने मतलब प्राकृतिक इतने ज्यादा दिखेंगे आपको पूछो मत। ये तो मतलब बिरथी फॉल का सबसे लंबा झरना यही हुआ है, इतना लंबा झरना है, मजा आ जाएगा गाइस। तो गाइस हमारा बैग गिर गया, देखो हम लेने जा रहे हैं बैग को यार, है यार
फिर उठ रहा है उसके बैग गिर गया गाइस। तो गाइस यहाँ पर भी नेट नहीं पकड़ा यार, हम यहाँ पे रुके थे, कॉल वॉल हो रही है यहाँ पर और लेकिन नेट नहीं चल रहा है। और ये जो गूगल मैप वाला था यहीं से नीचे वो था, वो गूगल मैप सेट करके जैसे गूगल मैप में दिखता है खेत खेत ऐसे यहाँ से भी दिखता है। तो चाहे चल रहे हैं तो गाइस हम लीथी पहुंचने वाले हैं। लीथी से आगे मतलब विनायक कहते हैं, सामने जो पहाड़ दिख रहा है ऊपर ये टॉप में, ये विनायक है, यहाँ जा रहे हैं। फिर यहाँ से जाएंगे हम सामा की ओर। तो गाइस देखते हैं आज क्या होता है सामा में, फिर भराड़ी, फिर बागेश्वर, कहाँ तक जाते हैं। तो गाइस 3 बज गया है और अभी हमें सामा में, अब सामा से जाते हैं अब बागेश्वर को, चलते हैं अब अभी सामा की मार्केट में। जो रोड हमारे सामने को जा रही है ये मुंशहरी को जाती है और हम यहाँ से पीछे से आए थे, इधर से आए थे हम और यहाँ पे यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहीं पर बैठे हैं, थोड़ा सा चाउमीन खाते हैं, चलते हैं। तो गाइस चल रहे हैं सामा से, लेट्स गो। तो गाइस अब चल रहे हैं भराड़ी की ओर को, खूबसूरत नज़ारों का मजा लेते हुए मैं और रवि भाई हमारे लगे हैं मजे लेने में, थोड़े मजे ले रहे हैं। अब कोर्स 27 किलोमीटर। पहुंच चुके हैं अपने रेस्टोरेंट पे, अब एक गिलास चाय पीते हैं यहाँ पे, उसका चलते हैं गाइस भैया चाय बना दो भैया। तो गाइस अब चल रहे हैं यहाँ से नीचे कपकोट भराड़ी फिर बागेश्वर। हाँ तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं भराड़ी, पीछे से भराड़ी है देखो, हाँ भराड़ी, हाँ बागेश्वर। गाइस हम पहुंचने वाले हैं भराड़ी, पहुंच ही गए हैं बस भराड़ी और इसके बाद कपकोट, चल रहे हैं गाइस। गाइस जो ये सामने से रोड भी अंदर को ये पुल से ये इधर को कपकोट बाजार को और हम जाएंगे सीधे आगे को। तो गाइस देखो सनसेट होने वाला है और अभी हमें बागेश्वर से कम 15 किलोमीटर पीछे हैं, भराड़ी से थोड़ा सा आगे आ गए हैं। काफ़ी अच्छा लोकेशन यहाँ पर, क्योंकि देखो गाइस नीचे नदी और ऊपर सूरज का सनसेट, कितना प्यारा लग रहा है। गाइस अभी हम बागेश्वर से थोड़ा सा आगे दमगाल नाम की जगह है वहाँ पे हैं और सुनो भाई लोग मुंह धो रहे हैं, देखो दोनों भाई लगे हैं एक साथ मुंह धोने में, मिट्टी घुस गई है। कब आएगा सोचा हूँ डाबा, लेकिन तुम भाग बहुत गंदा आए थे इस बार, अरे यार चलो भाग तो जाते हैं अब मेरे घर से 10 किलोमीटर भी। तो आप मुंह धो के चलते हैं फिर आगे को, भाई है मतलब ये पुल के। तो गाइस अब वहाँ धो के एकदम आके आके साफ करके चाय पीते हैं फिर उसका चलते हैं यहाँ से, और नीचे रिवर भी है, रिवर व्यू भी है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया। तो गाइस अब चलते हैं चाय, तो गाइस अब चल रहे हैं बस बागेश्वर के पास है हम, बस चल ही रहे हैं यहाँ से बागेश्वर की ओर को। तो गाइस बागेश्वर पहुँचने वाले हैं, देखो बागेश्वर में पहुँचते जाम पूरा
नहीं लग रहा है। बागेश्वर मार्केट में पहुंच चुके हैं, बस अब देखते हैं। सुनील लोग आ रहे हैं, वो एक बार दोबारा गए हैं ऊपर जहाँ हम रुके थे, चार्जर भूल के गए थे। अब जैसा होता है चार्जर मिलता नहीं मिलता है, गए तो हैं ऊपर को दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ भी हमें कीवी आउटलेट मिला, तो वही अब कीवी पीते हैं खूबसूरत सरयू के किनारे। तो गाइस अभी जा रहे हैं नीचे मंदिर के बगल में तक, मंदिर तो बंद हो गया होगा, बनना था उसे तो कभी बंद नहीं होते हैं, फिर भी जा रहे हैं नीचे तक ये चक्कर। सब लोग ऊपर थे, मैंने कहा यही है बागनाथ मंदिर का द्वार, मुख्य द्वार। तो पहले एक चक्कर नीचे तक जाते हैं, यह वो बोले ना बहुत अच्छी बात है। ये फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ से सब लोग, ये फोटो खिंचाने में लगे और हम भोलेनाथ के चरणों में। जय हो भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और अभी कोई नदी भी सूख रखी है, पानी बहुत कम है आज। तो गाइस अब चल रहे हैं ऊपर को। तो गाइस रात का बजाय अभी 10 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं और हम बैठे हैं सरयू नदी के किनारे पे। और ठीक है, सामने यहाँ से सरयू नदी है, जाता हूँ आपको यहाँ पर सुंदर नज़ारा। तो गाइस रात का 11 बज रहा है और हम बागेश्वर की मार्केट में खड़े हैं। बड़े चल रहा है काम, चल रहे हैं गाइस आगे को। तो गाइस अभी बिलोना ही पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर से देखो पीछे का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है, ये बागेश्वर का नज़ारा गाइस। तो गाइस अभी हो रखा है 11:50, 12 ही बजने वाला है और अभी हम बिलोना में भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पे हैं और बस अभी थोड़ी देर में 6 माइल चार्ज लगा रखा है और चार्ज लगा के बस ये चार्ज लगा के अब बस निकलते हैं यहाँ से ऊपर को थोड़ी देर में। तो गाइस रात का हो गया 12 और 6 माइल चार्ज भी हो गया है, अब चल रहे हैं थोड़ा आगे को। सुनील लोग को फ़ोन कर रहे थे, कैसे यार गाड़ी का टायर पंचर हो गया करके, और देख के आ रहे हैं यहाँ पर टायर पंचर हो गया उनका। तो गाइस 12:00 हो रहा है, हमें रोडवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे को हैं, यहीं पे कहीं पे गाड़ी का टायर पंचर हो रखा है शायद, तो यहीं कहीं आगे को ही गए थे, अब पता नहीं कहां पर हैं, देख तो नहीं रहे कहीं पर। तो गाइस हमको भैया मिल गए हैं, भैया की गाड़ी में हम यहाँ से मोड़ तक जा रहे हैं, अब दिखाते हैं आगे को क्या क्या होता है। यहाँ ड्राइवर साहब मेरी बैठे सारी हमारी गाड़ी चल रहे हैं गाइस साहब पर मोड़ा को। नाम क्या भैया आपका? वही ये बाकी रहने वाले हो ये बरात में जा रहे हैं? रुद्रपुर, रुद्रपुर जा रहे हैं, मेरा भी हम बड़े तक भैया के साथ साथ हो गया यहाँ रुकने के लिए। तो गाइस काफ़ी गए पहुँच चुके हैं। तो गाइस अभी हम तागुला में हैं और जा रहे हैं, 1:30 बज गया है करीबन और लगे हैं रास्ता ये की गाड़ी में। तो गाइस अल्मोड़ा कपड़खान पहुंच चुके हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा अपने जगहों पे और एक बाज़ार में चाय भी पी ली है, अब चल रहे हैं घर को। तो गाइस अब पहुंच चुके हैं घर, सुबह का बज रहा है 4:00 बज गया, 4:00 बज के 5 मिनट 10 मिनट, तो
कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके गाइस, बाय।